अच्छा रेशम बचपन से मतलब ऐसी ही थी जैसी अब बहुत शरारती कभी आपको कान वान खींचने पड़े हो रेशम बाज आओ बचपन में बैठ के मार देती थी गुस्से में मुक्के शुक्के कर देती थी आपको भी मारा दोस्तों की तरह अच्छा ना स्कूल छोड़ के आए मुझे लेने भी आए फिर जाती जबरदस्ती भी लेती थी ना लेने भी ठीक और पहली मरतबा सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी शो पे आई है अच्छा बाजी आई एम ऑनर्ड थैंक यू सो मच आपने मैंने मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं मैंने सुना था कि रेशम की बाजी हैं और उनका बहुत हाथ है उनकी जिंदगी में और उन्होंने खुद भी जिक्र किया तो मैंने एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनसे कहें कि वो जरूर बैठे अरे आपको नजर आता था रेशम के अंदर कोई एक स्टार है ये एक एक फिल्म स्टार बनेगी कुछ है कभी नहीं सोचा था इनको तो पता भी नहीं था ना अपने भाई के साथ बाइक पे बैठ के पीटीवी ऑडिशन भी देके आ गई थी अच्छा तो इनको जब पता चला ना ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी मुझे मारा भी था स्कूल में एक किया था कहती तेन बड़ी आग लगी स्कूल में एक प्ले किया था तो वहां से फिर खबर साहब के सीरियल में उन्होंने फिर अच्छा रेशम ने जैसे अपना एक्सप्रेस किया है अभी कि ये तन्हाई जो है ना ये हर एक बड़े इंसान के हिस्से में आती है भले वो बहुत सारे लोगों के हजूम में रहे तब भी एक तन्हाई उसके साथ चलती है और एक खातून होने के नाते से उन्होंने जिस तरह से काम किया है वो तन्हाई जाहिर उनकी जात का एक हिस्सा हो गया रहेगी भी अल्लाह ना करे कि वो उस तरह से रहे जिस तरह से कि अब है लेकिन जाहिर वो तन्हाई जिंदगी में कहीं रहती है आपको कभी एहसास हुआ यार इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूं मैं कोई इसका घर मैं तो 5 साल से कह रही हूँ शादी बहुत ज्यादा मैं तो दिन रात दुआ यही करती हूँ कि शादी फौरी करे अब अच्छा तो आपको नहीं जल्दी लगता मैं अकेली हो जाऊंगी फिर मेरे साथ कौन होगा नहीं मैं सोचती नहीं हूँ ये वाली बात क्योंकि मैं इसके देखना चाहती हूँ शादी हो बच्चे खिलाऊं जिंदगी बहुत छोटी सी है आप शादी करनी चाहिए इसको सही मेरी लड़ाई भी होती है मैं कहती हूँ देखें बात ये कि मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि हम वाकई ही नहीं चाह सकते जब तक रब ना चाहे तो जब वो चाहेगा उस वक्त हो जाएगी तो इसके बिल्कुल 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 ऐसे ही जैसे कोई अच्छा हो मूड बने तो कर लेगी इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा आपका मशवरा मानने वाली है कि आपको लगता है कि एक दिन आगे बहुत बादब है अच्छा बहुत अच्छी है मैं डांट लेती हूँ बोल लेती हूँ कभी गुस्सा भी निकाल लेती हूँ कुछ भी कह दूँ आगे से कहेंगी बाजी ठीक है जो भी आपने कहा वो सब ठीक है मैं इनको भी डांटती जब ओवर ईटिंग करते हैं मैं डांटती हूँ हाँ वो जब और डांटती हूँ सोई पड़ी को कहेंगी अभी खाना खाया उठ के बैठो वो फिर आपको तो, जब खाना खा के आप सो जाते थे आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती थी तो इनको पीछे इनको भी ऐसा मसला रहा तो फिर मैं इनको डांटती थी कि आप खाने के 2 घंटे बैठे आप वॉक करें अपनी सेहत का ख्याल करें अच्छा रेशम जी मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज में सुना जहाँ आपने बड़ा ओपनली कन्फेस किया कि मैंने जैसे मैट्रिक तक पढ़ा हुआ जी लोग तो जाली डिग्रियां ले लेके डॉक्टर बन जाते हैं डॉक्टर क्या बनते पॉलिटिशियन बन जाते वही ना तो आप बड़े आराम से कह सकती थी कि एक्चुअली मैंने भी ग्रेजुएशन एक्चुअली भी मैंने देखे मैट्रिक ही किया है तो बात ही पता है क्या ये घर पे फिर ये स्टडी करती रही है फिर मैं उर्दू अदब से मेरा बहुत मैं किताबें पढ़ती हूँ मैं आज भी सीखती हूँ लेकिन जो बकायदा तालीम मैंने मतलब हासिल करना चाहती थी वो तो मैं उस तरह से नहीं कर सकी क्योंकि मैंने आपको सबको पता है कि जब लोगों ने स्क्रीन पर देखा तो बहुत छोटी उम्र से ही मैंने अपना करियर शुरू कर लिया था फिर फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी मुझे था कि मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी सही पहली फिल्म हिट होगी दूसरी हिट होगी तीसरी फिर मुझे ये लगा कि शायद मुझे यही बनना है तो मुझे अल्लाह ने इतनी ढेर सारी कामयाबी से नवाजा है तो मैं फिर वो मुझे मैं कंटिन्यू ही नहीं कर सकी आपकी गुफ्तो शनीद से आपके नशस्तो बर्खास्त से बिल्कुल एहसास नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि भले आप डिग्री याफ्ता ना हो तालीमी याफ्ता जरूर है तालीम याफ्ता होने में और डिग्री याफ्ता होने में बड़ा फर्क होता है बहुत सारे डिग्री याफ्ता अफराज हैं उनको लगता है वो वाली डिग्री मिली हुई है अदालत में उसके पता है काम करने की जहाँ इतना सच बोला है तो थोड़ा सा और आपको बता दूं क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके चेहरे पे भी आ जाता है और मैं इसलिए भी डर के मारे झूठ नहीं बोलती कि मेरी एक्टिंग खराब हो जाएगी मेरा काम झूठा हो जाएगा बाजी जो थी वो मैरिड थी और इनके हस्बैंड चाहते थे कि अपनी बहनों को छोड़ दें और उनके साथ मतलब बच्चे पैदा करें और अपनी जिंदगी गुजारें तो मैं इनकी आपस की थोड़ी सी वो लड़ाई झगड़े भी देखती थी तो मुझे था कि मैं अल्लाह से फिर यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक जी मैं कुछ मैं बन जाऊं मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं ताकि ये जो है ना जो बहन को मेरी बातें सुननी मतलब सुनने को मिलती है वो ना मिले तो जहां फिर इनकी सेक्रीफाइसेस हैं तो फिर मुझे भी थोड़ा सा वो अपने करना पड़ा तो लेकिन ज्यादा सेक्रीफाइसेस बाजी की इन्होंने अपने बहन भाइयों के लिए औलाद नहीं पैदा की
उनको था कि यही मतलब सबसे ज्यादा छोटी मैं हूँ तो मुझे ही ज्यादा प्यार करती है, तो बाकी बहनों को भाइयों को भी उन्होंने बहुत प्यार किया है, सबकी शादियां की हैं इन्होंने, तो इनकी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस है कि मैं कहती हूँ कि शायद माँ भी एक हद तक कर सकती है। बड़ी बात है अपनी जिंदगी जो है वो वक्फ कर देना, कौन करता है आज के दौर में किसी के लिए। और रेशम जी आप भी अच्छा, लेकिन कभी एहसास होता है कि वक्त और हालात या कुदरत या तकदीर की ये सितम ज़रीफ़ी, अब इतना बड़ा माशाल्लाह आपका घर है लेकिन अकेले आप उसमें रहती हैं, कभी एहसास होता है अल्लाह इतना सारा कुछ दिया था, ये भी एक मामला जो है ये साथ, शिकवा का कोई मामला रहता है या नहीं? जैसे आप बार बार कह रही हैं बहुत राजी बरजा हैं, खुद को समझा लेती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, अगर ये नहीं है तो बहुत सारा कुछ। बाजी के साथ रहती हूँ लेकिन आप सही कह रही हैं कि तन्हाई का एहसास होता है, तन्हाई बाज़ुकात बहुत अच्छी लगती है लेकिन बाज़ुकात तन्हाई आपको मार भी देती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं क्यों झूठ बोलूं कि तन्हाई मुझे अच्छी लगती है लेकिन किसी हद तक सही, लेकिन बाज़ुकात तन्हाई में ऐसा भी लगता है कि आपका दम जो है वो घुट रहा है, सांस आपका घुट रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे सांस नहीं आएगा अभी आप मर जाएंगे, तो तन्हाई मारती है इंसान को लेकिन आप सीखते भी बहुत कुछ हैं, जब तन्हाई मारती है तो फिर सिर्फ आपको एक ज़ात है रब की, जो वही आसरा देती है, वही आपको हिम्मत देती है, वही आपको सांस देती है, आप हर चीज फिर आप रब से मैं मांगती हूँ, मुझे पता है कि अल्लाह ताला इतने लोगों से अच्छा करता है, मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा करेगा? बिल्कुल अच्छा करेगा, बिल्कुल। अच्छा हमने एक छोटी सी एक्टिविटी रखी हुई है कि हेडफोन रेशम आपने लगाना है और इसके साथ जुड़ा हुआ है एक म्यूजिक का सिलसिला, हम वो म्यूजिक ऑन कर देंगे और आप कुछ नहीं सुन सकेंगी मेरी और बाजी की गुफ्तगू का। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, आपको यहाँ बिठा कर हमने करना है, तो ये आप अपने कानों पर लगाएंगी और आप म्यूजिक सुनेंगी, मैं और बाजी आपके बारे में कुछ बातें करेंगे, फिर वो सवाल मैं आपसे भी करूंगी और हम मैच करेंगे कि मतलब आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, कितना दोनों बहनों में अंडरस्टैंडिंग है और कितनी बातें जो है वो मिलती जुलती हैं, कितना सच और कितना झूठ है। नहीं आप झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही और वो भी नहीं बोल रही, मुझे नहीं लगता क्योंकि सच और झूठ वाला सीन होगा, लेकिन एक हमें ज्यादा चीजों का इस तरह से पता चल जाएगा। आपने तभी से लगा लिया म्यूजिक ऑन कर दिया, लेकिन हम एक ब्रेक के बाद वापस आ गए, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो अपनी इस एक्टिविटी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। आपने म्यूजिक नहीं ऑन किया हुआ, आपको हमारी आवाजें आ रही हैं। एक सेकंड मैं ये करने लगी, मैं आपको सुनाती भी हूँ, ठहर जाए। अच्छा ये ले और कहाँ गए गाने लगा दिए। अच्छा क्या आपको मेरी अब कोई आवाज आ रही है? मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है? रेशम जी सुनाई दे रहे हैं? मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? मेरी कोई आवाज आपको? गाना बिल्कुल सही। आपसे मैं कुछ सवाल अब करने जा रही हूँ और सवाल जो है मैं आपके पास आके बैठ के करूँ प्लीज, ताकि मैं आराम से आपसे गुफ्तगू जो है वो कर सकूँ। ठीक। अच्छा आसान आसान से सवाल है, सिंपल सिंपल आपने जवाब देने, हम रेशम को ज्यादा बेहतर जानना चाह रहे हैं। okay. रेशम किसी भी सूरत में झूठ नहीं बोलती, उसको पसंद ही नहीं है झूठ, बिल्कुल नहीं बोलती। हाँ या नहीं? झूठ बोलने वाले से भी वो नफरत कर। हाँ या नहीं में क्या होगा? हाँ है ना। अच्छा रेशम किसी फिल्म स्टार से किसी और दूसरी खातून से इनसिक्योर नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा मोहब्बत एक सुनहरा जाल है, रेशम मानती है इस बात को? मोहब्बत की है उसमें। अच्छा हाँ मोहब्बत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है हाँ। लेकिन ये सुनहरा जाल नहीं, है, नहीं, मानती बस है? वो अलग बात मानती है। हाँ मानती है। रेशम ने कभी किसी के लिए आंसू नहीं बहाए? बहाए बहाए नहीं बहुत। रेशम को मां जी की जब डेथ हुई, माँ का था बहुत ज्यादा, लोग कोई भी बहुत सेंसिटिव है, किसी को भी किसी का दुख देखा नहीं जाता उससे। बिल्कुल सही। रेशम को बुढ़ापे से बहुत डर लगता है? ये तो आना है। अच्छा हाँ या नहीं? हाँ इसको हाँ। रेशम को जिंदगी में एक से ज्यादा मर्तबा मोहब्बत हुई? एक से ज्यादा मर्तबा मोहब्बत हुई हाँ या ना? एक बार तो हुई। एक बार तो हुई। मैं इसे ना लिख लू? हाँ लिख लू। हाँ रेशम को सबसे बड़ा गम इकलापे का है, जिंदगी का गम जिसे कहते हैं, क्या है? इकलापा, अकेलेपन का। हाँ वो है। रेशम तन्हाई में और होती है और महफिल में और? हाँ अंदर तो टूट फूट रहती है उसके। रेशम का मानना है कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। बिल्कुल मानती है। मानती। रेशम की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपना घर बसाना है? बिल्कुल। अच्छा रेशम ने खुद कभी किसी को धोखा नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रेशम को धोखा मिला? मिला उसको मिला। बिल्कुल सही। रेशम अपनी किसी को स्टार से जेलस नहीं होती?
बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में रेशम के कोई पछतावा नहीं? नहीं नहीं। अच्छा अगर गरीब मगर अच्छे दिल वाला आदमी रेशम को प्रपोज करेगा तो रेशम शादी के लिए हाँ कर देंगे? बिल्कुल, इंसान अच्छा हो, केयरिंग हो, लविंग हो, कर लेंगे। अगर कोई शादीशुदा आदमी अपनी बीवी से छुपकर रेशम से शादी करना चाहे तो रेशम? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।